गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू इंश्योरा चैन ऑफ लाइफ। चलो शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। और आज के ब्लॉग की जो शुरुआत है, ये पीछे से नहीं आ रहा टीना, चिंता मत करो, ये आया नहीं है, नहीं आया है डॉलर। अगर नहीं आया तो मैं जो मांगूंगी मुझे वो मिलेगा। तो टीना जो है हार गई है। नहीं आ रही हूं। टीना हार गई है क्योंकि यहाँ पे उसने ये दरवाजा खुला हुआ था वो अलग बात है, लेकिन अंदर का टॉयलेट का कुछ नहीं आया, तो इसलिए फिर भी खुला था तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा ओके। सो आज जो है, आज दो चीजें आपको दिखाने वाले। एक तो है कि आज कालिंका का मेला था हमारे उत्तराखंड में गांव में, और सारे लोग वहां पे गए हुए थे, मुझे जाना था, मैं नहीं जा पाया। तो उसकी कुछ क्लिप्स हैं जो हमारे भाई लोगों ने वहां से भेजी है, वो क्लिप्स मैं इसमें शेयर करूंगा ताकि आप भी कालिंका माँ के दर्शन करें और कृतज्ञ हो जाएं। और उसके अलावा आज टीना ने मेरे साथ एक प्रैंक किया। मैंने उसको बोला था आज गाजर का हलवा बनाना, लेकिन मेरे को फोन करके बोलती है नहीं, मैंने गाजर का हलवा नहीं बनाया है। और मैंने बोला नहीं, तेरे को भी नहीं बताया? नहीं, मेरे को भी नहीं बताया था। फिर मैंने क्या गाजर का नहीं, अभी नहीं क्या करेंगे। तो मेरे को बोलती है कि नहीं बनाया। मैंने कहा यार आज का ब्लॉग तो मैंने गाजर के हलवे के लिए स्पेसिफिकली रखा था, तो मैंने कहा चलो आज नहीं बनाया। तो चलिए यानी आपको दिखाते हैं गाजर का हलवा ऑलरेडी बन चुका। मैं सोचा था घर आके देखने में बन रहा है नहीं बन रहा है, लेकिन पहले ये बताओ किस में बनाया है, पहले ये बताओ। अगर दिमाग चलता है तो प्रेशर कुकर में तो एक बार तूने बनाया था तो एकदम खराब बना था। किस में बनाया, मतलब कढ़ाई में बनाया मुझे लग रहा है। कौन सी कढ़ाई है? स्टील की। अरे भगवान, किसकी है फिर? किसी की कढ़ाई जो उसमें नहीं लेती दिवाली में धनतेरस पे। हाँ। स्टील की नई कढ़ाई। हाँ। तो उसमें बनाया पहला, मतलब पहली बार बनाया जो धनतेरस पे ली थी कढ़ाई। और ये देखिए, उधर निकालो हाथ जल्दी, देखिए दर्शन हो रहे हैं। अभी दिखाते हैं आपको क्या मस्त सीजन का पहला गाजर का हलवा घर पे बना है हमारे। और ये धीरे धीरे इसके पट खुलेंगे। अरे बाप, टीना ने एकदम मस्त पट खोल दिए। गजब गजब भाई साहब, गजब। नहीं डालते मावा, दूध वगैरह, घी वगैरह, इसमें नट्स नहीं है, विदाउट नट्स है। तो विदाउट नट्स हमने बनाया है, बच्चों को पसंद नहीं है। हाँ हमारे, अभी रुक जा, अभी दे रहे हैं, अभी देंगे, अभी रुक जा। मैं टेस्ट करूंगा पहले, रुक जाए। तो हम लोग बाहर से जब मंगाते हैं ना, बाहर का थोड़ा लसलसा सा बनता है और उसमें नट्स वट्स बहुत होते हैं, लेकिन घर के वाले का स्वाद अलग ही है। तो भी जरा मैं टेस्ट कर रहा हूँ, तो जरा कांच की लेके खाना। ओह खुशबू, ओह क्या खुशबू आई है, घर के का कलर देखो, ऑरेंज गाजर के, और उधर जो मार्केट का ऑरेंज गाजर की आ जाती है। ये स्वाद मतलब कर भी लिया, कर भी कहा से क्या पकड़, इसको उंगली मत लाना कैमरे में, तो थोड़ा सा तू भी इसी में करेगा। हाँ चलो, मैं टेस्ट नहीं, मैं खाऊंगा बेटा। देखेंगे पापा खाएंगे पूरा। कंट खुल गए, कंट खुल गए, चटपटा थोड़ी होता है हलवा, जो कंट खुल गए, मीठा होता है घर के हलवे की ना बात ही नहीं रही भाई साहब, प्यार हो जाए जा अपने लिए, तू दूसरे कटोरे जाए, मैं तुम्हें खा दूं। देखा बोला जा रहा है, क्या कर रहा भाई, इतना ज्यादा क्यों ले रहे हैं भाई? अब ना फ्रिज में ताला लगा के रखना पड़ेगा, आदि के लिए भी रखना बेटा, आपने बोला सुबह मेरे लिए गाजर का हलवा जरूर बचाना, तो इतना थोड़ी खत्म कर देंगे हम आज आज में। अरे वो देखना, अब वो ये मैं तो 3.5 किलो का बनाया, ये तो 2 दिन भी नहीं चलाएंगे। हाँ कैसा है? ऑफ कोर्स अच्छा है, मजा आ गया है। क्या कह रही है, गर्म हो रहा है एकदम ठंडे मौसम में, गरम गरम खाने की तो बात ही अलग है, चाहे वो कुछ भी चीज हो, मस्त मजा आ गया। जल्दी बच्चा हो, आज उसाई भी लेट आई। हाँ। और जो प्योरेट वाला था वो भी लेट आया, उसके चक्कर में मेरा काम रह गया। नहीं तो ये फिर भी तूने टाइम से बना लिया, अच्छा बना, कम था ना। हाँ, अच्छा 3.5 किलो का था, 5 किलो बनाती हूँ। बढ़िया अलग ही स्वाद आता, सही बात है। तो चलिए गाजर का हलवे का तो स्वाद आपने देख लिया, अब आपको दर्शन कराते हैं कालिंका मैया के। तो कुछ वीडियो आपके वाइड एंगल में होंगे, कुछ वीडियो आपके पोर्ट्रेट में होंगे, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, बट दर्शन से मतलब है, दर्शन होने जरूरी, चाहे कैसे भी आए, इतनी ऊंचाई में चढ़ के अपने वीडियो वहां से भेजे, तो उन सबका धन्यवाद जिसने भेजे, उसके नाम के आगे मैं क्रेडिट जरूर लिखूंगा। एंजॉय कीजिए,
और दर्शन कीजिए माता रानी के। इस गाने का ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक करो और हमारे बड़े भाई को चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू। देखिए उधर में पूरा आज क्रिसमस मनाया जा रहा है, पूरा भीड़ लगा हुआ है, इतना क्लैरिटी नहीं आ रही है, लेकिन पूरा फंक्शन हो रहा है वहाँ पे आज। रोटी तू क्या खाएगा काली कहीं का, ये थोड़ा खेल ले ना उसके साथ, मेरे ऊपर चिपका रहता है दिन भर। खेल ले बेटा उसके साथ थोड़ा, अपने फोन में रहता है वो, खेल ले उसके साथ, भीड़ खेल ले रैम्बो के साथ, खेल ले थोड़ा। पकड़ने तो दे, मुंह क्यों लगा रहा है, पहले ही खींच, पूरा गीला कर रखा है उसको, हैं पूरा गीला कर रखा है, कैसे भी करूं मैं, खींचते रहे तो खींचते रहे। तो आप लेना शुरू कीजिए, मैं तो ले लिया क्योंकि अभी मौसम मुंबई का डबल टेम्परेचर चेंज हो गया पूरा, इसके चलते सर्दी जुकाम लोगों को लग रहा है, मुझे भी लगा थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने कहा चलो आप लेना जरूरी है, मास्क तो जरूरी हो ही गया। चलिए अब हम खाने की शुरुआत करते हैं, हमारे चावल, भिंडी की सब्जी, दाल, रोटी और प्याज। बड़े चौड़े होके बोलते हैं मैं खाना खा रहा हूं, मन करो आप उसको हमेशा भूल जाते हो, देखा देखा देखा, खाना पड़ता है ना, पापा को दिखाना पड़ता है। पुरूफ, पुरूफ। तो टीवी मैंने क्या बंद किया, मैंने यहाँ पे सिर्फ तेरा बटन दबाया था, बाकी तो तेरे को करना था। मैं क्यों करूँ, तुम हमेशा बोलते ना मैं बंद करता हूँ, तू झूठ बोलती है, अभी प्रूफ है
प्रूफ प्रूफ ये देखो टीवी बंद नहीं करा मेरे को बोलते हैं ओके प्रूफ चलो गाइस ऐसा होता है कभी 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 नहीं ये डेली होता है कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ ही तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं होपफुली आपने काली का मेला और गाजर का हलवा एंजॉय किया होगा चलिए इस व्लॉग को करते हैं एकदम बने रहिए मेरे साथ शिव रावत चेन ऑफ लाइफ के साथ।